स्वयं सहायक गोष्ठीर सफलता संपर्कित कहानी को नहीं देखिबा आसो स्वावलंबी हेबा। घरे बसी रहुथिबा युवती हेले स्वावलंबी निजे चलिले परिवार चलाइले प्रथमे काम सिखिले एबे सही काम सेमानंकु सिखाई देला टंका रोजगारर बाट आउ इमानंकु बळ जोगाउछि मिशन शक्ति। पद्मपुर ब्लॉक जगमगंडा गाँर एक महिला माने सिलई शिक्षा केन्द्र सह धूपकाठी प्रस्तुत करी एबे चर्चा रे। रायगढ़ जिला पद्मपुर ब्लॉक जगमंडा गाँर ये हेउछंती सरस्वती दास निजे स्वावलंबी हेबा सह गाँर अन्य युवती को स्वावलंबी कराउछंती। स्थानीय अंगनवाड़ी कर्मी प्रेरणा और मिशन शक्ति सहयोगे एगार जन महिला 2022 रे गठन करिथिले स्वयं सिद्धा एसएससी ग्रुप आउ पद्मपुर रे खोलिथिले सिलई शिक्षा केन्द्र। धीरे धीरे ग्रुप रो समस्त सदस्य मिशन शक्ति सहायता रे बैंक रु ऋण आनी आगक बढ़िथिले। ग्रुप रो सदस्य माने अंगनवाड़ी केन्द्र रो स्कूल ड्रेस और स्थानीय अंचल रे थिबा विभिन्न शिक्षानुष्ठान रो यूनिफॉर्म सिलई करी आत्मनिर्भरशील हो पारिछंती एही गोष्ठी रो सदस्य माने। आगुरु माने किछि भी करुनथुलु खाली रे बसथिलु। एसएचजी संसिदा एसएचजी गोटे गठन करी मिशन शक्ति तरफ रु 11 जन मा गठन करलु संसिदा एसएचजी गठन करी सेथिरु आमे गोटे प्रशिक्षण केन्द्र सिलई प्रशिक्षण केन्द्र खोलिकि भुवनेश्वर रो मटेरियल सोना हेकि लोकल रे दिया होची ता बदल रे भी रायगडा भवानीपटना बलांगीर सबुआड़े बाहर को भी आम पठे जहाद्वारा पैसा इनकम करें परिवार प्रतिपोषण कर जानवाक पाइली कि सेठे सिलई तालीम केन्द्र दि जाऊँगी ब्लाउज सहित सब ऑर्डर दिया जाऊँगीपर भी सेठे धूपकाठी सब बना जाऊँगी जो ऑर्डर आसे आम दौ कर ट्रेनिंग नेली आउ साया ब्लाउज चूड़दार आउ सब ट्रेनिंग नेली ता बधे आउ तांको पाखरु यूनिफॉर्म आको कटिंग करके दौंती देले आउ मु सिली कली ताहिर केते इनकम कली। आम दीदी आमको भल भाव शिखाऊंट रिशा तार से नहन भल धन कर सब कटिंग साया कटिंग चूड़दार कटिंग ड्रेस यूनिफॉर्म आने की सिलई कर बाहर भी दौ एबे ग्रुप रा सदस्य माने युवती और महिला को तालीम देउछंती। आग्रही युवती और महिला ठारु मासिक पाउणा ने तालीम प्रदान करा जाउछी। 300 रु अधिक युवती और महिला माने तालीम नेइछंती। ग्रुप रा महिला माने केवल सिलई नुहे बरंग धूपकाठी प्रस्तुत करी जिला तथा जिला बाहर को जोगाई बेस दुई पैसा रोजगार करुछंती। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସିଲେଇ ୟୁନିଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଚାଳନା କରିବା ସହ ବରହମପୁର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଆମ କଟକର ମାର୍କେଟରୁ ବିଭିନ୍ନ କଞ୍ଚା ମାଲ ଆଣି ସେମାନେ ଅଗରବତୀ ଏବଂ ଧୂପ ନିଜ ହାତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ନିଜ ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟ ସେମାନେ ବିକ୍ରୟ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତାକୁ ଦେଖି ଆମେ ଆମ ମିଶନ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉକ୍ତ ଏସ୍ଏମ୍ଇକୁ ଏସ୍ଏମ୍ଇରେ କନ୍ଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏସ୍ଏମ୍ଇରେ କନ୍ଭର୍ଟ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ହେଉଛି ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧା ଗ୍ରୁପ୍ର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମ ଘରେ ରହୁଥିବା ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ। ରାୟଗଡ଼ା ଗୁଣପୁରରୁ ରାଜେଶ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।